हेलो दोस्तों, तो आज एक और GTA San Andreas के मॉड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। ये जो बेसिकली मॉड है एंड्रॉयड के लिए है गाइज, आप इसका नाम है जो है 3.0 एक्सट्रीम ग्राफिक्स है गाइज, आपके एंड्रॉयड फ़ोन के लिए। ऐसे ही नई नई वीडियोस और मॉड्स के लिए मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहता हूँ, तो इस तरह की वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और इस वीडियो का लाइक टारगेट जो हम रखते हैं वो है 1000 लाइक्स। मुझे पता है वो आप करवा दोगे गाइस, तो मैं आपको इसकी कुछ गेम प्ले दिखा देता हूँ जो आपको पता चलेगा कि इसमें आपको क्या कुछ मिलने वाला है गाइस। तो ये बेसिकली एंड्रॉयड के लिए आपको कुछ मेगाबाइट्स का मिल जाएगी फाइल्स, आपको डिस्क्रिप्शन में आपने उसको डाउनलोड कर लेना है वेबसाइट से गाइस। तो वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आपको उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, वो सारा प्रोसीजर मैं आपको आगे चल कर बताऊँगा गाइस आपकी इस वीडियो में। तो आपने तब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए गाइस। और मैं आपको इसके थोड़ा बता देता हूँ कि डेमोस को दिखा देता हूँ कि इसमें आपको क्या कुछ मिलने वाला है। इसमें आपको गाइस सभी चीट्स जो है वो उसमें मिल जाएंगे इसमें, और क्ल्यू चैट्स जो होता है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा तकरीबन गाइस। और इसके आप ग्राफिक देख सकते हैं, बहुत ही हाई एंड ग्राफिक्स हैं गाइस इसके, आपको मैं बता दूँ गाइस। और ये जो है आपको अगर आपके पास पुराने OBB फाइल्स हैं ना तो उसके साथ भी ये कंपैक्टेबल है गाइस, आपको नए OBB फाइल डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो गाइस मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं इसमें सारी कार्स आपको मिल जाएंगी, यहाँ से लेफ्ट राइट अप करके आप कोई भी कार आप जो है स्पॉन कर सकते हैं अपने लिए गाइस। तो इसमें यह है कि आपको हर तरह की गाड़ी को देखने को मिल जाएगी इस मॉड में, वो भी HD वर्जन में गाइस। उसके बाद ये GT5 का जो है ना, आपको वेपन्स भी मिल जाएंगी, हर तरह के सारे मिल जाएंगे तकरीबन, रियलिस्टिक वेपन है गाइस, आप चेक कर सकते हैं इसका। ये भी है मॉड के अंदर ही है गाइस, आपने ये भी आपको मिल जाएगा इसी फाइल्स के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद गाइस आप चेक कर सकते हैं बटरफ्लाइज जो है CG के ऊपर आई हुई हैं। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं टेक्सचर कितने गाइस हैं, और जो गाड़ी है वो क्रैश होती है और डिस्ट्रॉय होती है वो भी कितना रियलिस्टिक तरीके से होती है, आप चेक कर सकते हैं गाइस। तो इसमें आपको और क्या को देखने को मिल जाएगा गाइस, आपको इसमें नाइट्रो देखने को मिल जाएगा गाइस, और सब कुछ आपको मैं आगे इंस्टॉलेशन की प्रोसीजर बता देता हूँ गाइस क्या है उसका। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सबसे पहले आपको ये दोनों ऐप्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपने ये प्ले स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगी गाइस ये दोनों एप्लीकेशन। ये जो है CPU Z, इसके आपने बेसिकली आपने पता करना है कि आपका GPU कौन सा है, जैसे मेरा देखो मैली है, इस तरह का आपका भी कुछ ना कुछ वहाँ पे लिखा होगा। ये फाइल्स दोनों आपको डाउनलोड जब आप करेंगे तो आपको दोनों मिल जाएंगी, और इसके ऊपर जो है ना आपको एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करके आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। और उससे पहले आपने देख लेना है कि आपके एंड्रॉयड डेटा में पहले कोई रॉकस्टार का फोल्डर तो नहीं बना हुआ, अगर बना हुआ है तो आपने उसको डिलीट कर देना है, क्योंकि कई कुछ फाइल्स होती हैं वो चेंज होती हैं, वो रिप्लेस नहीं हो सकती, जिसकी वजह से आपका मॉड जो है वो अच्छी तरह से इंस्टॉल नहीं होता और आपका गेम जो है क्रैश बार बार क्रैश करता है। इसलिए सबसे पहले हम उसको डिलीट करेंगे, लेकिन मेरे फ़ोन में नहीं है तो मैं चला जाता हूँ एक्सट्रैक्ट पे। यहाँ पर इसको एक्स्ट्रा हेयर पे क्लिक करते हैं, इस पे ऊपर पासवर्ड लगा हुआ है, तो मैं अभी यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ अपना पासवर्ड। और आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना है, आपको पता चले कि पासवर्ड आप बाद में भी इंटर कर लेते हैं। तो इसको एक्स्ट्रा हेयर होने देते हैं गाइस, और ये देखें हमारा जो है वो हो गया है। अब हमने कुछ चेंजेस करने हैं कुछ फाइल्स में, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या चेंजिंग करने हैं और कहाँ कहाँ करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर DXT लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने चेंजिंग नहीं करना, आपने ऐसे ही रहने देना, और जहाँ जहाँ पे रीनेम लिखा हुआ है ना उस हिसाब से अपने GPU के हिसाब से अपना वहाँ पर आपने रीनेम जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर अपने उस हिसाब से अपना लिख लेना है आपने। जैसे मेरा मेली है तो वहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ETC में लिखूँगा, अगर आपका इन तीनों में से कोई भी है और आगे उसका जो लिखा हुआ है इक्वल वो वहाँ पर आपने टाइप कर देना है गाइस। बस इसमें इतना ही करना है आपने, और कोई कुछ भी नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है गाइस, आप इजीली कर पाएंगे। उसके बाद मैं आपको यहां से दिखा देता हूं मैं कितने इजीली रीनेम कर दिए गाइस।
अब मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ चेंजिंग हुए हैं मेरे सारे, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी रीनेम करना है गाइस आपने। उसके बाद ये जो फोल्डर है आपने इसको कर लेना है कॉपी, और आपने इसको डेटा एंड्रॉइड यहाँ पर आकर आपने इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर हम इसको पेस्ट होने देते हैं गाइस। तो ओके, अब हम जो है ना एपीके उसको इंस्टॉल कर लेते हैं गाइस। ये हमारी जो है GTA San Andreas की एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है गाइस। तब तक आप वीडियो को प्लीज़ लाजमी लाइक कर दीजिए गाइस। और मैं आपको बता देता हूँ गाइस कि ये जो एप्लीकेशन है आप देख सकते हैं, ये एंड्रॉइड 12 जो है ना उसमें भी स्मूथ तरीके से चल रहेगी। इसमें क्रैशेस जो हर तरह के बग्स जो है फिक्स है। कभी कभार ऐसा होता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कॉरस्पॉन्ड कर लेते हैं, इस वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, गेम क्रैश होती है। ये हमारी OBB फाइल है, अगर आपके पास हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा वेबसाइट से जो डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा। तो आपने इनको भी यहाँ पर पेस्ट कर लेना है OBB फोल्डर में। तो इसको होने देते हैं गाइज। जैसे ये हो जाएगा तो हमारी गेम रेडी हो गई है गाइज खेलने के लिए, आप देख सकते हैं। अभी इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने देखिए, देखो गाइज कितनी स्मूथ तरीके से लॉन्च हो गई है गाइज। कोई बस कोई कुछ भी नहीं है, बहुत इजीली बस 2-3 स्टेप्स आपने करने हैं, फॉलो मेरी वीडियोस को करना है और आपका गेम प्ले बहुत ही यूनिक तरीके से इस तरह से निकल आएगा। आप देख सकते हैं ग्राफिक्स कितने ही प्यारे हैं गाइज। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए गाइज, अल्लाह निगमा।